अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और कितना शानदार प्यारा मौसम हो रहा है। रिमझिम बारिश बरस रही है। ज़रा इस नज़ारे को देखें कराची के। आजकल कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है और ज़रा देखें इस रिमझिम बारिश को और कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। ज़रा मौसम का नज़ारा करें। इतना शानदार सुबह का आगाज इतने अच्छे मौसम से। जी जनाब, इस वक्त हो रहे हैं 8:10 और हम अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर की तरफ जा रहे हैं। और मेरे साथ बड़ी मेरे दोस्त उबैदुर रहमान साहब, मेरे पार्टनर, मेरे हम सफर इस वक्त मेरे मुसीबत मुश्किल के साथ ही 12 से 8 की ड्यूटी थी। नींद के चौके लग रहे हैं हम दोनों को और घर की तरफ रवा दवा हैं हम दोनों। ये हम पहुंच चुके हैं आयशा मंजिल। मंजिल से होते हुए घर की तरफ जाएंगे हम लोग। आज मौसम सुहाना है। कराची का मौसम देखें बस, कराची का मौसम VIP हो चुका है इस वक्त। जनाब, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। उबैद को उनके घर उतार के ड्रॉप करके फिर मैं वापस आके अपने घर पहुंच चुका हूं। अब नाश्ते का इंतज़ार करेंगे कि नाश्ता आए और फिर नाश्ता करके सोएंगे। जब उठेंगे तो फिर बाकी वीडियो तब बनाएंगे आज का। और ये जी आ गया मेरा पराठा, बल वाला पराठा, क्रिस्पी क्रिस्पी सा, होममेड। और इसके साथ ये मेरी चाय आ गई। ये नाश्ता मेरा तैयार है। अब मैं नाश्ता करूँगा और फिर उसके बाद खाकर सो जाऊँगा। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं सोकर उठ चुका हूँ। अब जोहर की नमाज़ अदा करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं। इस वक्त कोई 4:30 का टाइम हो रहा है और आज छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इन्जॉय किया जाए और कम पैसों में अपने बजट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा एंजॉय किया जाए। और मौसम भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो हम कायद आज़म के मज़ार आए हैं, बहुत अरसे बाद आए हैं। काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन लास्ट टाइम जब अशर 2-3 साल का था तब आए थे, तो अब तकरीबन 4-5 साल बाद हम लोग आए हैं। तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं कायद आज़म के मज़ार। तो बहुत रश है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि इतना रश होगा। संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा रश है आज। तो चले देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है और साथ साथ चल के आपको दिखाते रहते हैं कि आप सूरत हाल क्या हो गई है कायद आज़म के मज़ार की। कुछ चेंजिंग आई है नहीं आई है या वैसा का वैसा ही है सब कुछ। ये मेरे दोनों बच्चे, ये है अनाबिया और ये आशा। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, काफ़ी खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
क्या हुआ, थक गए सर? बहुत ज़्यादा भागा है। ये आए हमारी दूसरी, ये इसके स्टाइल नहीं ख़त्म होते, इसके स्टाइल देखें। ये फुल ड्रामेबाज है हमारी। अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, फुल खूबसूरत नज़ारा। सर बहुत खूबसूरत जगह है हरियाली के लिहाज से, और मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत व्यूज़ हैं, हरा भरा, जिसको हर ग्रीनरी का शौक़ हो उसके लिए अच्छी जगह है। सब्ज़ हरियाली, खुशगवार, बहुत वीआईपी नज़ारे हैं, साफ सुथरा। ये मेरा बंदर दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसे नारियल खाना है भाई, ये अपनी कोशिश में लगा हुआ है। मोहतरमा फातिमा जिना की कब्र है, कायदे आज़म की सिस्टर। ये कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की कब्र है, और ये उनकी अहलिया की कब्र है। ऊपर की तरफ का निज़ाम बंद किया हुआ है विज़िटर के लिए, जो घूमने फिरने आ रहे हैं उनके लिए ये ऊपर की तरफ अंदर जाना मना है। हाँ वीआईपी वगैरह को छोड़ रहे हैं, वो अंदर आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर बर्गर वगैरह, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ है। बस एग्ज़िट की तरफ रवा दवा, बस हो गया हमारा, अब वापसी घर की तरफ करते हैं रुख, देखते हैं। और भाई फाइनली कायदे आज़म के मज़ार से होकर घर वापस आ चुके हैं, अब नमाज का टाइम हो गया है, असर का नमाज का टाइम तो चला गया है, मगरिब का टाइम हो गया है। आफ्टर मगरिब फिर हम कोशिश करेंगे कि हम जाएंगे अल्पाइन आइसक्रीम खाने, तो वो हमारा लास्ट विजिट होगा आज का, और देखते हैं फिर। और ये मेरी बेटी, मेरी पागल, नाराज़ हो गई है, इससे भी आइसक्रीम खाने जाना था, और अब रो रही है, बोल रही है कि आइसक्रीम खाने क्यों नहीं गए। मेरी कालो रो रही है, नाराज़ हो गई है,
ये मेरी परी मुझसे नाराज़ हो गई है, बोल रही है आइसक्रीम खाने नहीं गए हम लोग, आइसक्रीम खाने जाएंगे आफ्टर मगरिब की नमाज के बाद जाएंगे। अच्छा इसने चॉकलेट बेच ली, फिर बूम करता है यार। सबर सबर सबर। तो जी जनाब, आप अमल पाइन से भी होकर आ चुके हैं और बड़ा मज़ा आया आइसक्रीम का। मेरी रिकमेंडेशन पे अगर जाएंगे, अगर आप अल्पाइन जाएँ तो चीज़ी आइसक्रीम लाजमी खाइएगा, बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे तो और भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हैं, सारी फ़्लेवर अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पे चीज़ी आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी, चॉकलेट क्रंच, ये लाजमी चेक कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और बस आज का हमारा सफ़र ख़त्म, आज का साथ हमारा यहीं तक ही था। अब नमाज का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर रात को ड्यूटी पर जाना है। तो बस आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ 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 अपने ढेर प्यारे सारा प्यार दीजिएगा और मेरी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।